बता रहा हूँ कि मैं कह नहीं पा रहा हूँ। असलियत में लोग चाह रहे कि वीडियो बनाना ही छोड़ दे। जब से इंस्टाग्राम पे मैं 40,000 हो गया ना, 40,000 लोग सोच रहे कि वीडियो बनाए ना, आगे निकल जाएगा, सफल हो जाएगा, हीरो बन जाएगा, स्टार बन जाएगा, बॉलीवुड में जाएगा, धूम मचाएगा। लोग इसीलिए सोच रहे वीडियो बनाना ही बंद कर दे। अरे सुन लो गांव वाले मेरे कान खोल के। दोस्तों राम प्रणाम, नमस्ते दोस्तों, कैसे उम्मीद करता सभी तो मस्त स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आज इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं एकदम पीड़ित सा हो गया हूँ, मुझे यूट्यूब अब छोड़ना भी पड़ेगा। मतलब एक तो दोस्तों 5 से 6 साल हो गए, मेरा अर्निंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ऐसी वीडियो बनाता है, लोग कंटेंट ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कोई कंटेंट नहीं प्रोवाइड करता, बस बकवास बनाता है। क्या वास्तव में दोस्तों मैं अपना बकवास बनाता हूँ? अगर मैं बकवास ही बनाता हूँ तो एक कंटेंट के साथ मैं डेली पे डेली वीडियो लाता रहता हूँ। आप लोग बताइए मेरा वीडियो आप लोग को बकवास लगता है? अगर बकवास लगता है तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को मत देखिए, उन्हीं के वीडियो को देखिए जिस वीडियो में लड़की रहती है, बड़े बड़े प्लेस दिखाते हैं, क्योंकि मैं भी दिखाना चाहता हूँ लेकिन एक मेरा हैसियत नहीं दिखाने का। वैसे दोस्तों मैं बता दूँ, मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों मेरा घर है। देखिए आइए मैं पीछे थोड़ा सा दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा सारा सब कुछ रहता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं वहाँ पर आ जाओ भाई, वहाँ से वीडियो बनाते हैं ताकि पूरा प्लानिंग से थोड़ा मेरा बैकग्राउंड अच्छा दिख सके। बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा है उधर? नहीं दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा पास ही आ जाओ भाई, बैकग्राउंड तो अच्छा से दिखे। दोस्तों सोच लो मेरे पास बैकग्राउंड अच्छा है, कैमरा वगैरह बढ़िया से आ रहा है, कहीं हाथ वगैरह नहीं लग रहा है ना दोस्तों? मतलब क्या ही बताऊँ, एक छोटे से मैं लड़का को खड़ा करके अपना कैमरा पकड़ा हूँ और मैं अपने फीलिंग कहने में भी मुझे शर्म आ रहा है। मैं क्या करूँ दोस्तों, मतलब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। असलियत में लोग चाह रहे कि वीडियो बनाना ही छोड़ दे। जब से इंस्टाग्राम पे मैं 40,000 हो गया ना, 40,000 लोग सोच रहे कि वीडियो बनाए ना, आगे निकल जाएगा, सफल हो जाएगा, हीरो बन जाएगा, स्टार बन जाएगा, बॉलीवुड में जाएगा, धूम मचाएगा। लोग इसीलिए सोच रहे वीडियो बनाना ही बंद कर दे। अरे सुन लो गांव वाले मेरे कान खोल के, मैं वीडियो बनाना कभी नहीं बंद करूंगा। तुम लोग कुछ भी कर लो, कितना भी षड्यंत्र रच लो, मैं वीडियो बनाना कभी नहीं छोड़ूंगा। और तुम लोग एक बार कान को खोल लो, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदारी तुम ही लोग होगे। देख लो अगर मेरे वीडियो को मेरे चैनल को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदारी मैं तुम लोग को दूंगा और मैं साइबर क्राइम केस करूंगा। ऐसे नहीं मैं तुम लोग को छोड़ूंगा, मैं साइबर क्राइम केस भी करूंगा। अगर मेरे वीडियो में कुछ हुआ, मेरे चैनल में कुछ हुआ तो मैं साइबर क्राइम केस करूंगा। ये लोग मेरे वीडियो को बंद करना चाहते थे दोस्तों, मैं बता दूं मैं बहुत मेहनत किया अपने चैनल में, क्यों बंद करूं आप लोग ही बताइए। अगर मेरा चैनल बंद हो जाएगा तो लोगों को क्या मिलेगा? कुछ घंटा नहीं मिलेगा। अगर मेरा वीडियो चलेगा तो मैं तो काफी लोगों को मदद करूंगा, मेरे साथ वीडियो बनाएंगे, मैं उनका चैनल प्रमोट करूंगा, आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, अपने साथ लेके चलूंगा, प्रॉपर तरीके से चलूंगा, लगातार चलूंगा, चलता रहूंगा जब तक मेरा जान जाएगा दोस्तों। और मैं क्या बोलूं आप लोग ही बताइए। बात हो जाओ भाई, आवाज बात जा रहा ना बढ़िया से दोस्तों? मैं बता दूं मतलब मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता दोस्तों, बस प्लीज आप लोग एक बात मुझे बताएं कि मैं ब्लॉग डेली प्रोवाइड करूं कि ना प्रोवाइड करूं। अगर वैसे में मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है आप तो मैं डेली प्रोवाइड करूंगा। वैसे भी एक बात मैं बता दूं आप लोग को, ये रोना धोना मैं बंद कर दिया हूं, थोड़ा सा नर्वस था इसलिए मैंने कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, बट कुछ नहीं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले या फिर एक्टिंग फोर देख लेगा। और वैसे मेहनत करता हूँ, किसी का बाप का नहीं खाता हूँ, अपने बाप का खाता हूँ, माँ का खाता हूँ, और मेहनत से करूंगा, मेहनत से वीडियो बनाऊंगा, डेली बनाऊंगा, लगातार बनाऊंगा, एक वीडियो 100 वीडियो 200 दिन में 500 वीडियो भी छोड़ सकता हूँ मैं, अगर छोड़ पाऊंगा छोड़ूंगा, देखता हूँ तुम लोग क्या करते हो। अगर वीडियो देखना तो देखो यार, पता है मेरे गांव के लोग और मेरे शहर मोहल्ले गांव का और समाज के लोग क्या किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, जैसे वीडियो आता नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं। सोच लो, अरे तक तुच्छ काम मत करो यार, कभी सफल नहीं होगा जीवन में। अगर एक छोटे क्रिएटर को गिराना चाहते हो तो गिरा दो, लेकिन तुम लोग विशाल हो कि जिंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। मैं सही बता रहा हूँ, माँ की कसम खा के कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं दिल से बोलता हूँ और जो मैं दिल से बोलता हूँ वो होता है। मैंने दो चीज अजमाया अपने गाँव में, मैं ये बात आप लोग को बताऊंगा अगली वीडियो में कि मैंने किन लोग को दो बात दिल से बोला था वो मेरा हो गया यार। एक लोग का तो डेथ हो गया और एक लोग कुत्तों की तरह इधर उधर ऐसे छुप रहे हैं, कुत्तों की तरह। कैसे? कुत्तों की तरह। तो मेरे साथ जो पंगा लेगा ना उसका भगवान भी भला नहीं चाहेगा। इंसान की तो बात ही छोड़ छोड़ दो दोस्तों, प्लीज बस आप लोग का प्यार सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग यार अगर कोई लड़की हो तो लड़की को प्यार देते, सपोर्ट देते, वीडियो को लाइक करके हम सब्सक्राइब करते हैं, और कोई क्रिएटर होता है उसको लाइक करते हैं, लेकिन छोटे अपने 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 छोटे भाई बहनों को प्यार सपोर्ट आप लोग दो। मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, हंसी भी आ रहा है रोना भी आ रहा है। वैसे दोस्तों एक बात मैं और आप लोगों को शेयर करने वाला हूं कि मैं एक मेरा और चैनल है जो कि
उस पर मैं एक्टिंग लीडर बना दूं। एक भाई ने कमेंट किया था, ब्रदर आप जाइए मूवी का क्लिप वॉइस लेके वीडियो अपलोड कीजिए। क्या मैं वैसा वीडियो बनाऊं? अगर वैसा वीडियो आप लोग देखना पसंद करते तो बताइए वैसा बनाऊं, या फिर अपने लाइफ स्टाइल के बारे में मैं बोलता रहूं, दिखाता रहूं, जो भी मैं कुछ करता हूं वो भी लोगों को दिखाता रहूं कि आज मैं इनसे मिला, वो इनसे मिला, ये देखो मेरे गाँव का एक छोटा सा चूल बन रहा है, देखो यहाँ पर मेरे गाँव में शादी है, और ये देखो मेरा दोस्त है, ये मेरा कैमरा मैन है, और मेरे गाँव में देखो दवाई चल रहा है, मैं ये प्रोवाइड करूँ। चूंकि दोस्तों मैं बड़ा बड़ा चीज आप लोग को तो दिखा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग सही में बताना कि आप लोग जहाँ से खाना खाते, किसान भाइयों का क्या करते हैं, वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगा लाइव, गांव छोटे परिवार से दिखाऊंगा कि मेरे गांव के लोग क्या क्या करते हैं, मेरे गांव में क्या रसम होता है, जब शादी होता है तब क्या रसम होता है, शादी के बाद क्या रसम होता है, शादी और बीवी बच्चे में जब झगड़ा होता है तो फिर क्या क्या कहानी होता है, ये बात मैं आप लोग को बताऊं ताकि आप लोग इसको देख के सीखे और ऐसा तुच्छ काम ना करें आप लोग यार, प्लीज। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, प्लीज। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्रोग्राम करो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करो यार, मैं दिल से बता रहा हूँ।